नमस्ते मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों में खिजड़ी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खिजड़ी को रेगिस्तान का गौरव वह राजस्थान का कल्पतरु अथवा थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और खेजड़ी से पत्ती, लकड़ी, सांगरी प्राप्त होती है। इसका फूल मिंजर तथा फल सांगरी कहलाता है। सांगरी का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। इसकी पत्तियां पशुओं, विशिष्ट ऊंट बकरी के चारे के काम में आती है और इसकी लकड़ियां जलाने के लिए भी उपयोग में ली जाती है। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान के विश्नोई समुदाय के लोग समी वृक्ष को अमूल्य मानते हैं। खेजड़ी के पेड़ के रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए बलिदान की एक घटना विश्व में प्रसिद्ध है। पर्यावरण की संरक्षण के लिए पश्चिमी राजस्थान संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। राजस्थान की प्रसिद्ध कहावत सर साढ़े रूख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात सिर कटवा कर वृक्षों की रक्षा हो सके तो भी इसे सस्ता सौदा ही समझा चाहिए। और दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये तेज गर्मियों के दिनों में भी हरा भरा रहता है। अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों का यह एकमात्र सहारा है। कहा जाता है कि सन 1899 विक्रम संवत 1956 में दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसे छपनिया अकाल कहा जाता है। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ के तनों के छिलकों को खाकर जिंदा रहे थे। और दोस्तों, आपको नज़र आ रहे ये सभी वृक्ष खेजड़ी के हैं। ये सब दूर दूर नज़र आ रहे हैं, ये सभी वृक्ष खेजड़ी के ही है, कोई और वृक्ष नहीं है। इस रेगिस्तान में ये वृक्ष अपने आप में एक पहचान है। ये ऊपर की इसकी इस आकार में दिखता है और ये मेन तना है इसका। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर।